कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर भी लौटे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योग। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि फेफड़ों की एक्सरसाइज, नियमित योग, प्राणायाम और कौन कौन से योग आसन हमें महामारी के दौर में सुरक्षित रख सकते हैं। 8:30 बजे हमारे साथ होंगे योग गुरु स्वामी रामदेव भी। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ हैं, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर अरबत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेदांता अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट छोटी सी आपको दिखा देते हैं। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और योग कितना महत्वपूर्ण है कोरोना से बचाव में। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद आपके पास आते हुए, योग कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कोरोना से बचाव में, क्योंकि महामारी का यह दौर कई एक्सपर्ट्स को हमने देखा जो सलाह देते हैं कि आप योग करो। गायत्री जी, पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरे सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक योगा की बात है तो देखिए, योगा एक बहुत पुरानी परंपरा है। यह एक साइंटिफिक पद्धति है जिसमें शरीर के अंदर की डिफरेंट क्रियाओं और एक्सरसाइजेस के द्वारा आप अपने बॉडी के पार्ट्स को एक तरह से रिफ्रेश करते हो, आप उसको एक्टिवेट करते हो और उसको यूज करके उस अपनी जनरल, जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। और जब आप हर चीज को, हर सिस्टम को एक नॉर्मल सुदृढ़ तरह से ले आते हो और उसके साथ साथ उसमें जो विकृतियां लाने वाली आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी आप साथ साथ कम करते हैं, तो हर चीज का जो टोटल होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी ज्यादा सुदृढ़ होती है, ज्यादा स्वस्थ होती है और आपके बीमारी पाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे एग्री करूंगा कि हाँ, अगर आप सारी योगिक पद्धतियां ठीक तरह से कर रहे हैं तो उससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी। लेकिन अगर कोई भी इसको आगे ये एक्सटेंड करे कि मात्र योगा करके आप अपने को कोरोना से पूर्णतः बचा सकते हैं, तो मैं इस बात से 0% भी सहमत नहीं हूं। नहीं, दवाइयां अपना काम करती है, इलाज अपनी तरह काम करता है और नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, योग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसी पर हम बात कर रहे हैं सर। इसीलिए जी मैं मान रहा हूं, देखिए मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा है कि योगिक एक्सरसाइजेज और योगा ये सब की बॉडी को ज्यादा स्वस्थ बनाते हैं, ज्यादा सुदृढ़ बनाते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन अगर कोई भी उसको ये स्ट्रेच करे कि उससे आप कोरोना से अपने को पूरी तरह बचा सकते हैं, जैसा गायत्री जी कई लोगों ने क्लेम किया है टीवी पे, इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूं, तो वो गलत है। कोरोना से बचने के लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम कोरोना संयम कहते हैं, और वैक्सीनेशन, यही दो तरीके हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर योगा करें तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, वो हम सबको बेटर बनाएगी, मगर सिर्फ ये ही नहीं जरूरी है। इसीलिए सर मैंने वही पूछा कि योग कितना महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका क्या होती है बचाव में, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये सलाह देते हैं। सबसे पहले आचार्य प्रतिष्ठा, मैं आप ही के पास आती हूँ क्योंकि आप योग गुरु भी हैं। बतौर योग गुरु आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कोरोना से बचाव में, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों कि जब ये सेकेंड वेव थी, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, डॉक्टर गुलेरिया से लेकर मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन की तरफ से भी ये कहा, डॉक्टर त्रेहान ने भी ये सलाह दी कि आप अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप घर पर रहिए, एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप उल्टे लेटते हैं तो ऑक्सीजन लेवल पे असर पड़ता है, बढ़ जाता है, उनकी तरफ से अनुलोम विलोम तक की सलाह लोगों को दी गई थी। तो बतौर योग गुरु आप कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं?
देखिए गायत्री जी, पहले तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी। जी। और ये बिल्कुल सच है कि योग योग तंदुरुस्ती तो देता ही देता है, उसके भी आगे स्वास्थ्य प्रदान करता है, विच मीन्स अगर हम WHO की भी हेल्थ की डेफिनेशन को देखें, सो इट इज वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, तो वो योग से हमें मिलती है। पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए मोक्षायतन योग संस्थान हैज कम आउट एज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने पिछले वर्ष ही कंप्लीट कोरोना प्रोटोकॉल मानवता के उत्थान के लिए दी, जिसमें हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, योग एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस ने मिल करके काम किया। तो कोई भी पद्धति दूसरी पद्धति के अगेंस्ट कभी हो ही नहीं सकती है। और ये जो समान, क्योंकि योग का तो अर्थ ही है समत्वम योग उच्चते, जब हम समान रूप में जीना सीख लें, और योग का दूसरा अर्थ है, गायत्री जी आपने अंग्रेजी की मार्कशीट देखी होगी, नीचे लिखा होता है टोटल, और हिंदी की मार्कशीट में लिखा होता है योग, तो जब हम टोटैलिटी में जीना शुरू करते हैं तो वहां योग होता है। तो योग करके, यानी संयोग करके, सहयोग करके ही हमें इस कोविड काल से निकलना है, और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। हमने, हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड, हमने देखा कि कैसे उन पर प्राणायाम का असर हुआ, कैसे उन पर शंख बजाने से, हमारे डॉक्टर्स भी तो बता रहे हैं कि आप बलून खुलाइए, उसी तरह से हम शंख बजाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से हमने देखा कि प्रोन पोजीशन में लेट करके, भुजंग आसन करके, आप अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन योग बहुत, योग चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। योग प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। और योग को अगर हम सही ढंग से जीते हैं, सही ढंग से योगाभ्यास करते हैं, तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों के टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हम पिछले कई महीनों से जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। पर ये सत्य है कि कोई भी पद्धति किसी दूसरी पद्धति के अगेंस्ट कभी हो ही नहीं सकती। हम सबको, योग का अर्थ ही है सहयोग, योग का अर्थ है जब हम मिल करके कुछ करते हैं तभी योग घटित होता है। डॉक्टर स्वाति, क्या वाकई योग महत्वपूर्ण होता है कोरोना से बचाव में? प्राणायाम मददगार साबित होता है? देखिए, कोरोना से बचने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक ही चीज है जिससे कि हम कोरोना से बच जाएंगे। हमें बहुत सारे एफर्ट्स अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चीजों को लेकर के करने होंगे, तब हम जाकर के कोरोना से बच पाते हैं। उसमें से एक जो पहलू है वो है योग, यानी कि एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिन्हें हम बोलते हैं आज की तारीख में। तो ये एक पहलू है, आपको अपनी डाइट पे भी काम करना होगा, आपको अपनी मानसिक स्थिति पर भी काम करना होगा, आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर के संपर्क में भी आना होगा। देखिए, अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझें फेफड़ों की, तो हमारे फेफड़ों में लगभग 6 लीटर जो एयर होती है, हवा होती है, वो रहती है हमारे लंग्स के अंदर। और जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, इस तरह से हवा का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन हमारी जो फेफड़े होते हैं वो 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जो उनकी क्षमता होती है वो कम होने लगती है। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आयु जैसे ही 35 साल के आसपास पहुंचती है, स्वाभाविक तौर से भी हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनकी क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ये हो सकता है कि हमारे डायफ्राम की मसल्स जो है वो कमजोर होने लग जाए, जो हमारे लंग का टिश्यू है उसकी जो स्पंजिनेस होती है, वो जो इलास्टिसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी जो रिब्स होते हैं, जो केज होता है जिसके अंदर लंग्स होते हैं, वो टाइटन होने लगता है। तो जो हमारे एयरवेज होते हैं समय के साथ वो धीरे धीरे और ज्यादा जो है नैरो होते जाते हैं। अब ये हमें प्रदूषण का भी दुष्प्रभाव हो सकता है, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है, कोई आपके पहले से कुछ बीमारियां हैं उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है, और संक्रमण जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं जैसे कि कोरोना उनमें से एक है, उनकी वजह से भी ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब हम किस तरह से अपने लंग्स को जो है स्वस्थ रखें, कैसे हम उनको फिट रखें ताकि अगर कोई संक्रमण हमारे ऊपर हो तो उसका ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हमें अगर बीमारी हो तो हमें निमोनिया बहुत ज्यादा तीव्र ना हो, या अगर निमोनिया हो तो हम जल्दी उससे बाहर आ जाएं, उसमें हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारी मदद करती हैं। और देखिए, अगर आप देखें तो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो हमारी लंग्स की बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी होती हैं जो साधारण जो हम ब्रीदिंग करते हैं उनमें खुलती नहीं है,
वो बंद रहती है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो हम वो जो पॉकेट्स हैं लंग की उनको भी खोलते हैं, वहां भी हवा का आदान प्रदान होता है और उससे हमारी लंग्स जो है वो हेल्दी होती है। दूसरी चीज है कि हमारे जो लंग्स का बहुत सारा पार्ट है वो हमारी पीठ की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, इसलिए प्रोन ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस आज से नहीं है, 1975 उससे भी पहले के स्टडीज हैं जो सामने आई थी, जहाँ साफ तौर से ये बोला गया था कि जब लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो उल्टे लेटने से फायदा होता है, क्योंकि जो लंग्स के पीछे का हिस्सा होता है उनमें हवा जाती है, वहां जो लंग्स के हिस्से होते हैं वो पॉकेट्स खुलती है, वहां आदान प्रदान हवा का शुरू होता है जिससे कि आप जल्दी ठीक होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आज से नहीं है, ना योग आज से है, ना ये जो पद्धतियां हैं साइंस की ये भी आज से है, ये बहुत पुरानी है। इनका एप्लीकेशन सीखना हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम ये सब चीजों को अपने जीवन में रूटीन में लेकर के आएंगे उतना वो हमें इस तरह की महामारियों से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनसे रखेंगे। और देखिए एक्सरसाइजेस के कई रोल है, प्रिवेंटिव रोल भी है कि वो अगर आपकी लंग्स दुरुस्त होंगी, अच्छी होंगी, आप पहले से व्यायाम करेंगे तो आप संक्रमित होने से बचने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा। थेरेप्यूटिक रोल भी है, जब निमोनिया हो जाता है तब भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं क्योंकि तब आप जल्दी ठीक होते हैं, रक्त का संचार होता है, एयर का मूवमेंट होता है, तो आप ठीक जल्दी होते हैं। वही पोस्ट रिकवरी भी इसका रोल है, जब आप ठीक होने लगते हैं तब भी हम जो है रिहैबिलिटेशन करते हैं, लंग रिहैबिलिटेशन करते हैं, वहां भी एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जब धीरे धीरे निमोनिया के बाद लंग में फाइब्रोसिस होने लगती है, लंग्स टाइट होने लगती है इन्फेक्शन के बाद, तो वो भी ठीक करने में एक्सरसाइजेस मदद करती है। तो एक्सरसाइजेस मेरा ये मानना है किसी भी रूप में, चाहे आप योग के रूप में करें, चाहे आप लंग ब्रीदिंग भूमिका है, वो आपको फायदा कर, बिल्कुल डेफिनेट यानी भूमिका है। इसीलिए हम सिर्फ भूमिका पे बात कर रहे हैं, कोई पद्धति कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है उस पर कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप डॉक्टर समीर, क्योंकि आप तो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ भी हैं, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं योग को, प्राणायाम को? देखिए जब हम योग की बात करते हैं तो योग एक तरीके की जीवन शीला है, एक लाइफस्टाइल है। आप जो योग करते हो ये आपके लिए कोई मेडिसिन या दवाई नहीं है, ये आपका एक रोजमर्रा जिंदगी का पार्ट हो जाता है जिसमें आप अपनी हेल्थ या अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं। तो योगा और एलोपैथी का ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। अगर आप रेगुलरली योग करते हैं तो आपकी जो शरीर की एक अंदर की जो पूरी मैकेनिज्म है ये एक अच्छे बैलेंस में रहती है। जब बात करते हैं हम कोविड के बारे में तो हमें ये समझना है कि कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसमें भी माइल्ड मॉडरेट सीवियर रहता है। लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम आता है और कभी कभी ब्लड वेसल्स का भी प्रॉब्लम आता है। एलोपैथी के खुद के अलग अलग भाग है। एलोपैथी में हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देखते हैं, हम ट्रीटमेंट देखते हैं, कुछ बीमारियों के लिए दवाइयां दी जाती है, कुछ बीमारियों के लिए हम सर्जरी करते हैं। तो अगर कोई बीमारी दवाई से ठीक होती है तो जरूरी नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो और हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो वो भी दवाई से ठीक हो। तो हर पेशेंट के लिए हमें एक टेलर मेड ट्रीटमेंट लगती है, कोई भी एक ट्रीटमेंट सब पे लागू नहीं होती है। इसी प्रकार से जब हम फेफड़ों की बीमारियां देखते हैं, कोविड के साथ साथ कई सारी फेफड़ों की बीमारियां है जिसमें एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। COPD नाम की एक बीमारी है जो लोगों को धूम्रपान की वजह से होती है या उन लोगों को होती है जो हमेशा प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। इन लोगों के फेफड़ों में हवा ज्यादा अंदर ही अंदर जमा होते रहती है, इनको तकलीफ रहती है कि हवा बाहर नहीं निकल पाती है। इसी प्रकार से बाकी भी फेफड़ों की बीमारियां है, जैसे हम फाइब्रोसिस की बात करते हैं जिसमें लोगों के फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियों में जो व्यायाम बताए जाते हैं वो अलग है, व्यक्ति के वय के अनुसार, बीमारी के अनुसार, बीमारी के स्टेज के अनुसार व्यायाम अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपको COPD है तो आप क्विक ब्रीद इन ब्रीद आउट मत कीजिए, मतलब हो सकता है आप टीवी पे जो व्यायाम देख रहे हैं वो साधारण व्यक्ति के लिए सही हो बट आपके लिए सही ना हो। एलोपैथी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जब हम बात करते हैं स्पायरोमेट्री की या बलून फुलाने की तो उस पर पहले से स्टडी की जा चुकी है कि कितने ML के कैन में हम जब ब्लो करते हैं तो बॉल ऊपर उठता है और उससे फेफड़ों को कितना फायदा होता है। आप देते हैं सलाह, देते हैं आप, क्योंकि कोरोना तो सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को ही पहुंचा रहा है, क्या आप देते हैं सलाह योग प्राणायाम की? सर हम योग प्राणायाम पर बात कर रहे हैं, एलोपैथी और योग को कहीं कोई उसको कंपेयर करने की कोशिश नहीं है। आप लोग देते हैं क्या? क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसलिए हम योग पर बात करें सर।
जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, वो हो सकता है आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, तो ये सब आपके लिए फायदे का हो सकता है। पर ये आपके कोविड बिहेवियर, मतलब हाई रिस्क बिहेवियर, मतलब मास्क नहीं पहनना, वैक्सीन नहीं लेना, भीड़ में जाना, इसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। जी डॉक्टर अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे सर, आप किस तरह की एक्सरसाइजेस लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जो कोविड से जूझ भी चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको पोस्ट कोविड भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या सलाह दी जाती है, किस तरह की एक्सरसाइज आप सर बताते हैं? गायत्री जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इस बारे में पिछले 2 महीने में हमने बहुत सारे वीडियोस जारी किए हैं और कई बार एक्चुअली टीवी शोज पर इसको करके भी दिखाया है। हाँ सर, मैं चाहूंगी अगर आप कर पाएं तो सर। जी जी, मैं आपको बताऊंगा। जी जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, हम जैसा कि डॉक्टर अरपत ने कहा और डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि कोविड की अलग अलग स्टेजेस हैं, कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई सीवियर है, किसी को सीवियर और मॉडरेट से रिकवर होके आ गया है, अब अगले कुछ महीनों में उनको फाइब्रोसिस का खतरा है। तो मैंने जो कहा था कि जो माइल्ड डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो घर में रह करके अपना होम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और खासकर से अप्रैल मई के दिनों में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल था, लोग सीटी स्कैन करने के लिए भाग रहे थे, ब्लड टेस्ट करने के लिए भाग रहे थे, मैंने बार बार ये कहा था कि उसकी जगह अगर आप एक डीप ब्रीदिंग करके ब्रेथ होल्डिंग करें, मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आप मुंह से सांस बाहर निकाल, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। डॉक्टर स्वाति ने एक्सप्लेन किया था कि हमारे लंग्स में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, ये विंड पाइप 2 में डिवाइड होता है और फिर वो 20-22 बार छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ओके अल्टीमेटली एक बलून जैसा सैक बनता है जहां फाइनली ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। जब हम ऐसे झुककर बैठे होते हैं तो हमारे लंग्स का जो पेरिफेरल सबसे बाहर का पार्ट है वो अक्सर एक्सपेंडेड नहीं होता और मे बी हम लंग की कैपेसिटी का 60-70-80% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर हम सीधे बैठे, थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें और उसके अलावा जो मैं दिखाता हूं, मुंह खोल के हम सांस बाहर निकालें और उसके बाद खूब गहरा, देखिए मैंने गहरा सांस खींचा, जब हम सांस खींचते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में तो पूरा जरूरी नहीं है हमारे सारे पेरिफेरल एयरवे खुले, लेकिन जब एक बहुत ही डीप ब्रेथ हम लेते हैं और लेते जाते हैं और उसको स्ट्रेच करके हम फ्रीज कर देते हैं अपने को, तो ये जो छोटे छोटे एयरवेज हैं ये खुलते हैं, इसको हम इंग्लिश में या अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट कहते हैं और ये एक बहुत इफेक्टिव साइंटिफिक टेक्निक है जो हम लोग अपने एनेस्थीसिया में और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है उसमें बैक करके यूज करते हैं कि लंग का पूरा पार्ट काम में लाइए। तो उस समय मैंने कहा था कि जब आप घर में बैठे हैं, आप उसमें क्वारंटाइन आइसोलेशन में हैं, आप हर घंटे में 5-10 मिनट गहरा सांस खींच के रोक लीजिए, जितनी देर आप सांस रोक पाते हैं, जब ना रोका जाए छोड़ दीजिए, इसको हम कहते हैं सांस रोकने का समय या ब्रेथ होल्डिंग टाइम। शुरू शुरू में ये कम होगा लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि अगर आप रोज अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम कुछ कुछ सेकंड बढ़ाते रहिए और बढ़ा बढ़ा के अगर आप इसको 30 सेकंड से ऊपर ले जाते हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। जिस व्यक्ति ने गहरा सांस खींच के 30 सेकंड के लिए रोक लिया और उसको दोबारा बीच में सांस नहीं छूट रहा है, उसके लंग्स में किसी तरह का कोई सीरियस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज हमने कही थी वॉक टेस्ट की, कि आप कमरे के अंदर वॉक करके देखिए कि आपका सेचुरेशन नहीं गिर रहा है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से घर में बैठे बैठे न केवल अपने जो वॉक करने का आपने बताया उसको कैसे देखना है? देखिए, उसमें ये जो दोनों चीजें मैंने जो होम आइसोलेशन में जो बार बार लोग सीटी स्कैन कराने जा रहे थे, सीटी वैल्यू के बारे में परेशान हो रहे थे, मैंने कहा था आप घर में बैठ के रोज हर घंटे में 5-10 मिनट ये डीप ब्रेथ लेके ब्रेथ होल्डिंग करिए। अगर आपका एक्सर अभ्यास के द्वारा हर रोज समय कुछ कुछ सेकेंड बढ़ता जा रहा है और 4-5 दिन में आप इसको 30 सेकेंड के पार ले गए और 30 सेकंड के पार आप मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है लंग से कि अंदर सब कुछ ठीक है। जो हमारा लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है टिपिकली 8-10 दिन के आसपास, 8वें 10वें दिन के आसपास होता है,
और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपका बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम एकदम से कम हो जाएगा, जो एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरा, 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करिए, उसको निकाल के रख दीजिए, कमरे में 6 मिनट तक नॉर्मल स्पीड पे वॉक करिए और आके फिर देखिए। अगर 6 मिनट की वॉक के बाद भी आपका सेचुरेशन उतना ही है, उसमें 5% से ज्यादा की गिरावट नहीं है, अगेन ये मैसेज है कि आपके लंग्स बड़े अच्छे हैं। तो लोगों को सीटी स्कैन के लिए अननेसेसरी पहले 7-8 दिन में भागने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर आपका 30 सेकंड से ऊपर है, आप विश्वास रखिए आपको कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। गायत्री जी, एक और चीज जो कोविड से लोग रिकवर हो गए हैं, फाइब्रोसिस की आजकल बात होती है। फाइब्रोसिस क्या है? देखिए, कोविड में लंग्स के अंदर न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया एक तरह से सूजन है, लेकिन कुछ लोगों में सिर्फ सिंपल सूजन होती है और वो रिवर्सिबल हो जाती है, कुछ में डैमेज ज्यादा होता है। और जो लंग का इंटरस्टीशियम होता है उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली लंग, जो डॉक्टर स्वाति ने कहा था कि वो स्ट्रेचेबल इलास्टिक कंप्लायंट लंग होते हैं, वो कंप्लायंट लंग एक्चुअली थोड़े सॉलिड हो जाते हैं, उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है। तो फाइब्रोसिस ये प्रक्रिया है। अब ये बताइए, इस प्रक्रिया को हम किस चीज से अपोज कर सकते हैं? वेरी सिंपल, इस प्रक्रिया से। जब हम गहरा सांस खींच रहे हैं, हम लंग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, और अगर स्ट्रेच करके हमने उसको 30 सेकंड तक रोका रहा तो वो स्ट्रेच हो रहा है, और इस स्ट्रेच होने से आप उस मैकेनिकल प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, बहुत सारे भारी संख्या में पेशेंट्स हैं जिनका माइल्ड मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट था, वो नियमित रूप से इस तरह की एक्सरसाइजेस करके ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30, 35, 40 सेकंड तक अभ्यास के द्वारा ले गए हैं। और जिसका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 40 सेकंड से ऊपर है, गायत्री जी, उसको किसी तरह का, बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं चाह रही थी कि आचार्य प्रतिष्ठा भी कुछ बताती कि क्या उनकी तरफ से सलाह होगी कोरोना से बचाव में और पोस्ट कोविड जो लोग सिम्टम्स फेस कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, हम फौरन लौट रहे हैं। तो क्या महामारी में संकट मोचक है योग? हम इस पर बात कर रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप किस तरह की जो आसन है, योग प्राणायाम, उसकी सलाह देंगी? जी गायत्री जी, पहले तो हम कहेंगे हमारा आधा काम तो डॉक्टर साहब ने कर दिया जी। और 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ये देख करके बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे जो देश के सम्मानित डॉक्टर जन हैं वो भी योग अभ्यास रिकमेंड कर रहे हैं और खुद कर करके दिखा रहे हैं। एक चीज जो हम कोविड काल में, जो कोविड से रिकवर करने के लिए भी, इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी जो आइसोलेशन में है, हमने उनके लिए भी काफी महीनों से क्रियाएं बता रहे हैं। वो क्रियाएं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की इस चर्चा में एक बात उठी कि योग, एक्सरसाइज और डाइट और लाइफस्टाइल। तो कम से कम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि योग कसरत नहीं है, आहार योग का एक अभिन्न अंग है, जीवन शैली लाइफस्टाइल योग का एक अभिन्न अंग है। आई बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ योगीज, आई हैव सीन द जर्नी ऑफ योग बिकमिंग योगा। पहले तो योग योगा बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, फिर योगा एंड मेडिटेशन बन गया, बिल्कुल ऐसे जैसे आचार्य प्रतिष्ठा और हाथ। तो हाथ को अलग करके आचार्य प्रतिष्ठा कहाँ है? ऐसे ही ध्यान, प्राणायाम, आहार, जीवन शैली, ये सब योग के अभिन्न अंग है। और इसीलिए कहा गया, खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए। कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे देह त्यागते हैं, ये सब हमें योग सिखाता है। और योग कोई चमत्कार नहीं, एक विज्ञान है जो एविडेंस बेस्ड साइंस है, जिसको आज पूरा विश्व बाहें फैला कर। अच्छा, डॉक्टर अरविंद ने जो बताया, आचार्य प्रतिष्ठा, डॉक्टर अरविंद ने जो एक्सरसाइज बताई वो योग था या फिर कसरत थी? बिल्कुल, वो योग का एक अभिन्न अंग है। हमारा आहार भी योग का एक अभिन्न अंग है। और जो डॉक्टर साहब ने बताई वो बहुत खूबसूरत प्रैक्टिसेस थी, और इसीलिए हमने अपनी बात का आरंभ भी उनके उनको अप्रिशिएट करके किया। और हमारे आश्रम में सभी डॉक्टर्स लोग आते हैं, हम लोग डॉक्टर्स के लिए बहुत काम करते हैं। और यहाँ कुछ क्रियाएं बहुत बहुत आवश्यक हैं, जिसे हम यौगिक भाषा में कहते हैं कि उत्थान मंडूक आसन। यानी इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देते हैं। बहुत सुगम है, सभी लोग कर सकते हैं। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना,
बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना, और इस स्थिति में आप देख रहे हैं लंग्स का पूरा एक्सपेंशन हो जाता है। और हमें ये ध्यान रखना है, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि हर पेशेंट की अपनी कैपेसिटी, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं योग मजा है सजा नहीं है, इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। तो इस स्थिति में आना, आंख बंद करके गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। इस स्थिति में जब हम 5 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स का पूरा एक्सपेंशन होता है, ऑक्सीजन का इंटेक मैक्सिमम होता है, फिर हाथों को वापस ले आते हैं, फिर यहीं से हम वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी कि इस तरह से बैठना, और खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, और यहाँ आपकी रीढ़, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, और फिर अपने हाथों को पीछे ले जाना, और फेफड़ों के निचले, यानी आप जब इस स्थिति में होंगे, इस स्थिति में आकर के पूरा इनहेल करना, एक्सहेल करना। 5 बार ऐसा करेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। दूसरे स्टेप में हम हाथों को बिल्कुल सीने के सामने ले आते हैं और सीने के मध्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करते हैं। हाथों को पीछे ले जाना, गर्दन को पीछे ले जाना, और सीने के मध्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। 5 बार डीप ब्रीदिंग, सांस छोड़ते हुए वापस। और तीसरे अभ्यास में हम हाथों को बिल्कुल नीचे 45 डिग्री के एंगल पर ले आते, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड नॉट इनवर्ड। इस स्थिति में आकर के हाथों को पीछे ले जाना, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं इनको मिलाने की, जो संभव नहीं है, बट वो प्रयास हमें जारी रखना है। गर्दन को पीछे ले जाना और सीने के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। 5 बार डीप ब्रीदिंग करना और फिर हाथों को पीछे ले आना। जी आचार्य प्रतिष्ठा, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी ये खास पेशकश है, कल पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, और इस योग दिवस के जरिए वसुदेव कुटुंबकम जो सपना है वो साकार होने वाला है। और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, स्वामी रामदेव। और ये जगह भी बेहद खास है क्योंकि इस वक्त हम उनके आश्रम में हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से वो सुबह से योगा कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से योग के जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। स्वामी जी, कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको क्या लगता है जब हम 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो विश्व तक जो योग को पहुँचाने की आपकी कोशिश थी, कहाँ तक हम कामयाब हो पाए हैं? जसप्रीत जी, मैं 45 सालों से लगा हूँ, और आप देखिए छोटे बच्चे भी हैं, और 75 साल के योगी उधर बैठे हमारे, ये गिरीश आहूजा साहब देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 75 साल की उम्र में चश्मा उतार के बैठे, 15 किलो वजन कम करके बैठे, नहीं बीपी, नहीं शुगर, नहीं थायराइड, कोई बीमारी नहीं। ये आबाल वृद्ध माने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, जो मेरा सपना था कि सब योग करें, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, हर एक इंसान, पूरा हिंदुस्तान और सारा जहान योग कर रहा है, और योग से ही दुनिया बचेगी। बच्चे कम से कम ये 5 आसन कर लें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन, और फिर एज ग्रुप के हिसाब से हमने योगासन को डिजाइन किया है जी। अब देखिए ये, अब देखो आपके दाहिनी तरफ तो आरती जी हैं, ये तो और भी कठिन कठिन आसन करती, कठिन कठिन आसन कर लो। अब देखो ये तो एक के बाद दूसरे आसन में ऐसे पोज बदलती जाएंगी, हमारे बालक भी हैं, बालक तो ऐसे करें जैसे इधर ये कर रहे हैं, और शेष जो है प्राणायाम कर ले, जो कठिन ना कर पाए ना, तो हम तो कहते हैं भस्त्रिका। ये बिल्कुल सिंपल है योग। दरअसल योग को ना पहले तो कुछ लोगों ने गुफाओं में और ग्रंथों में इसको दबा के रखा हुआ जी, फिर कुछ लोगों ने किया तो ऐसा ग्लैमर में फंसा दिया, इंदिरा गांधी जी के समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कराया करते थे इंदिरा जी को योग, और फिर उसके बाद जो बहुत ही जो सो कॉल्ड इलीट क्लास, उसका ही फैशन बन के रह गया था। फिर विदेशों से रिटर्न होकर के योग योगा होकर के आया। हमने इस देश का जो मूल योग है, जो ट्रेडिशनल योग है, विशुद्ध योग, बिना किसी मिलावट के और बिना किसी बनावट के, हमने कहा बिल्कुल सिंपल है। देखो कोई भी करो, बस ये का करो, और जिनको कठिन करने हैं
ऐसे हमारे बच्चों की तरह आरती जी की तरह वो कठिन कर लो। भस्त्री का कपाल भाति कोई भी कर सकता है और इसी से 99% बेनिफिट हो जाते हैं। भस्त्री का कपाल भाति वही प्राणायाम ये उज्जाई और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी। जसप्रीत जी मैंने ये योग करवा करके सिंपल 5-7 प्राणायाम और डिजीज के अकॉर्डिंग 5-7 आसन करवा करके मैंने लोगों की लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंकलोजिंग स्पलाइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, क्रोनिक एस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में खाली कंट्रोल था। एलोपैथी की दवा से कोई अपना बीपी, अपना शुगर, अपना थायराइड, अपना अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं कर सकता। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त तक का भी उनके पास में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ, बिल्कुल 45 सालों से कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई अस्थमा, आर्थराइटिस ना, आप कहेंगे आप तो योगी हैं। सुबह से आपको देख भी दी हूँ, आप लगातार योग कर रहे हैं। अच्छा योगी जी, हमने बहुत मुश्किल समय देखा है, कोरोना काल है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। कोई कह रहे हैं कि ये 6 हफ्ते में आएगी, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 6 महीने बाद आएगी, तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। आप बताइए कि हमें किस तरीके से दिनचर्या में बदलाव करना होगा, खान पान में बदलाव करना होगा, ताकि अगर तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, पांचवी लहर आए, जितनी भी लहरें आए, हम सब तैयार रहें योग के माध्यम से। आपने अच्छी बात कही जसप्रीत जी कि कितनी ही लहर आए वो हम पर कहर बन करके ना बरते, वो लहर उसकी। तो इसके लिए एक तो वैक्सीनेशन की डबल डोज और इधर योग और आयुर्वेद की डबल डोज, योग और गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा। और आप सोचेंगे चलो मैं तो योगी हूँ, बचपन से योग कर रहा हूँ, ये 75 साल का मैंने आपको एग्जांपल दिया गिरीश आहूजा साहब, इनको बीच में तो एक बार ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम हो गई थी। इनके बड़े बड़े मित्र हैं देश विदेश में, बोले ये ठीक नहीं हो गया, अब जिंदगी भर थोड़ी लंगड़ी चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, 75 साल की उम्र में आंखों का चश्मा उतर गया, ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम दूर हो गई, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, और वेट है, कितना वेट है आहूजा साहब? 71 86। तो ये आपके सामने एक और इनके दूसरे भाई वो थोड़ा योग कम करते थे, अब कर रहे हैं सब। अब उन इनको कोई प्रॉब्लम, अब देखो पद्मासन में बैठे आपके सामने। तो ये योग की महिमा है। तो भस्त्री का कपाल भाति अनुलोम विलोम भ्रामरी ये प्राणायाम तो सब करें और कम से कम 5 आसन कर ले। देखो अब पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योग मुद्रासन हो गए ऐसे। अब कितने आसान है जो जितना झुक सके, अब उम्र के हिसाब से जितने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से, और जो ज़्यादा झुक सके तो वो तो दोनों पैर दोनों साइड में फैला करके वो नमन आसन करो बेटा। आप ये देखो, अब देखो ऐसे भी झुक सकते हैं। अब ये तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब देखो पूरे फ्लैट होकर के टिक गए ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ बिछा दी हो चादर से जमीन पर। तो जो जितना कर सके ऐसे ये योग मुद्रा आसन। और मैं एक बात ये कहूँगा, कम से कम 5 आसन योग मुद्रा आसन कर लो, चाहे आप मंडूकासन कर लो वज्रासन में बैठ करके, और जो फ्लेक्सिबल है वो तो कठिन आसन भी कर सकते हैं। मात्र 5 आसन कर लेंगे तो पेट से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट से लेकर के पूरा शरीर ठीक रहेगा।